वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ नहारी, ईद की नहारी। तो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊँ। सबसे पहले इसमें तेल रखें, कमर का इसमें ढाई कप तेल, जो कि इसमें अच्छे खासी तेल जाना है नहारी के अंदर, जो कि इसकी असल जान ही नहारी के अंदर जो है वो रोगन है। जितना अच्छा रोगन आएगा उतनी अच्छी नहारी होगी। अब ये देख लीजिए आप, मेरे पास ये है गोश्त, कोई सवा दो किलो के करीब। मैं इसको साबुत बॉन्ग रखवाती हूँ। ये देख लीजिए आप, ये पूरी बॉन्ग जो है वो साबुत है। बाद में जब ये बन जाएगी तो हम इसे पीस कर लेंगे। अब ये है एक किलो हड्डी कुट्टी, ठीक है। हड्डी कुट्टी के बगैर नहारी इनकम्प्लीट है। आप ये इसे कहते हैं हड्डी कुट्टी। जब तक ये नहीं होगी नहारी के अंदर मज़ा नहीं आएगा। और एक पैकेट है मसाले का, इसके अंदर आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, वरना तो इसके अंदर कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम पतीले में गुड़ियाँ डालते हैं। बिस्मिल्लाह। कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल होता है नहारी, बहुत सिंपल चढ़ती है। पर यह है कि जितनी देर पकती है जितना अच्छा इसका अरोमा होता है और जितनी ही लजीज होती है। तो ये बीफ की नहारी है, तो ये ज़रा 5 से 6 घंटे तो ले। अब इसमें देखें, मैंने बॉन्ग डाल दी, मैं इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर। ये देखिए आप, अब इसको मैं सिर्फ हल्का सा फ्राई करूँगी तेल। अब आप कहेंगे इसमें मैंने कोई लहसुन नहीं डाला, कोई प्याज नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, तो सिंपल है। इसको मैंने हल्का सा तेल में फ्राई करके भी मर दिया। आपकी अगर आप सिंपल का तेल डालना चाहें तो डालने, मैं नहीं डाली। हमारे यहाँ नहारी थोड़ी स्पाइसी खाई जाती है, तो लिहाजा मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के किसी भी मिर्च में बढ़ा दूँ। मैंने नहा मसाले का टेस्ट बढ़ा, किसी भी अच्छी कंपनी का मसाला ले लीजिए। आप समझ सकते हैं आप कि कौन सी अच्छी कंपनी है। जो बिस्मिल्लाह, अभी देखें मैंने तेल में मसाला पूरा डाल दिया। अब इसको आप अच्छी तरह भून लीजिएगा। जब ये मसाला अच्छी तरह भून जाए तो फिर इसके अंदर गलने के लिए पानी डाल देंगे। अब देखेंगे मसाला भून रहा है, इतनी अच्छी तरह भूनिएगा कि चारों तरफ तेल नज़र आने लगे, ठीक है। देखें मेरा मसाला अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। पानी इसमें इतना डालिएगा क्योंकि एक ही दफ़ा शोरबा डलता है, उसी ही शोरबे के अंदर नहारी गलती भी आती है, और उसी पानी के अंदर हमें उसी शोरबे में इसको नहारी रेडी भी करनी है। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि इसमें गुटियाँ भी हैं, तो ये गलने में ज़रा टाइम ले। ये देख लीजिए, ये इतना शोरबा होगा इसी के अंदर ये रेडी होती भी आएगी। अभी इसे 6 घंटे के लिए भून जाए। ये रोगन निकाल लें, सारा रोगन इस तरह निकाल के फिर आटा डालिएगा, वरना तो सारा रोगन ख़राब हो जाएगा। एक बॉल में उतार के इस तरीके से रोगन रख लें। अभी मैं बताऊंगी आपको कि 1 कप डलेगा रोगन। अब इसमें 1 कप आटा कोई सा भी घर का डेली रूटीन का आप ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। थिकनेस इसके हिसाब से देख लीजिएगा, आपको अगर ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो ज़्यादा गाढ़ी रख लीजिएगा, और आपको अगर पतली पसंद है तो फिर पतली रख लीजिएगा। देखें बॉन्ग साबुत है, अभी तक कोई बॉन्ग नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। मैंने आटा डाल दिया, मुझे इतनी पतली बिल्कुल सही है नहारी। देखें आप, बिल्कुल सही है। अभी ये पकेगी 15-20 मिनट, ये तेज़ आंच पे पकेगी तो फिर ये खुद ही सेट हो जाएगी। ये देखें प्याज लाल हो चुकी है। अब ये देखें जो मैंने रोगन बचाया था ना, इसमें छोड़ दूँ बघार लगाने के बाद।
ये देखिए मेरी नहारी की फाइनल लुक, आप देख सकते हैं मगज़ नहारी बिल्कुल रेडी है। मगज़ इसने बिल्कुल एंड पे डाला है मैंने फ्राई करके, आपके सामने है। खाइए, इंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।